पिक्सल 4, हाँ जी ये फोन आ चुका है और इसको गूगल ने खुद ही लीक किया था। यूजुअली क्या होता है कि फोन पहले ही लीक हो जाता है, उसको लीकस्टर्स हैं, टिप्सटर्स हैं, वो कहीं से जुगाड़ करके फोन को डिस्प्ले कर देते हैं इंटरनेट पे, और फोन कंपनी जो कोशिश करती हैं उसको सीक्रेट रखने की, उसके फीचर्स को, उसकी डिजाइन को, बेचारे कुछ कर नहीं पाते। हालांकि गूगल ने इस बार जो है अपना पत्ता पहले फेंक दिया, उन्होंने खुद ही फोन को अनलॉक कर दिया। तो ये इसकी डिजाइन है, पहले से काफी डिफरेंट है। अभी तक गूगल यूजुअली अपने बैक पैनल है ग्लास का, उसमें डबल फिनिश देता था। पहले उसने स्टार्ट किया ब्लैक और वाइट, जो कि पैंडा स्कीम कहलाती थी, धीमे धीमे वो इंटरनेट पॉपुलर हो गई। फिर उन्होंने मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश के साथ एक्सपेरिमेंट किया। इस फोन में एक सिंगल ग्लास आपको पैनल मिलेगा पीछे, जो कि अलग अलग टेक्सचर्स इसमें नहीं है, एक सिंगल पैनल है। कुछ कुछ आईफोन के 11 प्रो मैक्स के साथ वो और 11 प्रो के साथ रिजेंबल करता है। हालांकि डिज़ाइन ये नहीं कह सकते हैं कि एप्पल ने कॉपी की है किसी की या गूगल ने कॉपी की है, बिकॉज ये फ़ोन अलग अलग पहले ही बनना स्टार्ट हो गए थे, इनकी डिज़ाइन पहले ही हो चुकी थी। शायद ये कोइंसिडेंस है कि दोनों की डिज़ाइन काफ़ी हद तक सेम है। हालांकि फ़ोन काफ़ी खूबसूरत लगता है पीछे से। जो फ्रंट का डिज़ाइन है उसमें गूगल ने नॉच ना देकर एक बेजल दे दिया है टॉप पर। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है इस फोन के बारे में, बिकॉज अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि जो नॉच गेम था वो हर कंपनी फॉलो कर रही थी। एप्पल तो आज तक फॉलो कर रही है उसको, क्योंकि स्टार्ट भी शायद उसी ने किया था एसेंशियल फोन के बाद। तो पिक्सल 4 से नॉच को हटाने का रीज़न ये है कि इस बार गूगल के पास बहुत सारे सेंसर्स हैं जो वो ऊपर फिट ना कर पाते एक नॉच में, उन्होंने इसलिए एक बेजल को चूज किया है। सेंसर्स कौन से हैं? फेस अनलॉक आईआर कैमरा। ये फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी जो गूगल इसमें लेके आ रहा है वो 3D फेस अनलॉक है, जैसे कि एप्पल अपने आईफोन्स में दे रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। एंड्रॉयड फोन्स यूजुअली जो आजकल यूज़ कर रहे हैं वो एक कैमरा बेस्ड फेस अनलॉक है, जो कि बहुत ही आसान होता है फूल करना। अगर आप किसी पर्सन की फ़ोटो को खींच कर कैमरा के सामने दिखाते हैं तो फ़ोन अनलॉक कर देगा, बिकॉज वो 2D फेस अनलॉक है। 3D फेस अनलॉक में आपके फेस पर बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपको दिखते नहीं हैं, बट फोन उस डॉट्स के मदद से 3D मॉडल आपके फेस का बना लेता है और उसको स्टोर कर लेता है। जब भी आप फोन को अनलॉक करते हैं वो डॉट्स आपके फेस से प्रोजेक्ट होते हैं, और कुछ ही मिली सेकेंड्स में, इतनी फास्ट ये टेक्नोलॉजी काम करती है कि कुछ ही मिली सेकेंड्स में आपका जो फेस है वो रिकग्नाइज हो जाएगा और फोन अनलॉक हो जाएगा। इसकी खासियत ये है कि इसके लिए कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन इंफ्रारेड लाइट से आपके फेस को स्कैन करता है और एकदम पिच ब्लैक अंधेरे में भी फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ये शॉर्टकमिंग है, ये एक प्रॉब्लम थी जो रेगुलर फोन्स आते हैं जैसे कि वन प्लस, उसमें भी फेस अनलॉक होता है, मगर वो आप अंधेरे में नहीं कर सकते हैं, उसको एक एक्सटर्नल लाइट सोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक कैमरा बेस्ड फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी है। तो इसमें आपको एक दिखेगा सोली रेडार चिप। ये एक एक्साइटिंग फीचर है जो पिक्सल 4 में गूगल ने डाला है। ये क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली गूगल ने इसमें एयर जेस्चर्स और हैंड जेस्चर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। फोन को टच ना कर कर आप हैंड्स फ्री हो सकते हैं कम्प्लीटली। आपको सॉन्ग स्किप करना है या फोन को साइलेंट करना है या आपको सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग पर जाना है, आप फोन को बिना टच किए, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, बट बिना टच किए फोन को आप यूज कर सकते हैं। शायद किसी किसी सिचुएशन में ये काम आ सकता है। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप फोन पे कुछ कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, या आपके दोनों हैंड्स बिजी हैं, आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो फोन को गंदा करने के बजाय या अपने हाथ को धोकर उसको यूज करने के बजाय फोन में कुछ जेस्चर्स कर सकते हैं अपने हाथ से। किसी किसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकती कि सबके लिए यूजफुल है ये टेक्नोलॉजी, बट इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और गूगल कह रहा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स वो डालेगा इन द फ्यूचर टू कम। तो गूगल इस प्रोजेक्ट सोली पर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा है, काफ़ी सालों से वो काम करता आ रहा है। तो ये उसका एक ब्रेन चाइल्ड है, उसका एक बहुत बड़ा ड्रीम है इस टेक्नोलॉजी को पुश करना। अब ये हमें देखना होगा कि ये फ़ोन एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। फोन में एज यूजुअल कोई हेडफोन जैक नहीं है। क्यों नहीं है?
ये मुझे नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता है। सबसे बड़ा डिफाइनिंग फीचर पिक्सल फोन्स का हमेशा से रहा है उसके कैमरास। ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें पिक्सल को आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आईफोन को आज तक कोई हरा नहीं पाया है, उससे बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग किसी फोन में नहीं। हालांकि वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत सारे फोन्स में एप्पल से भी बेटर है। आईफोन्स और गैलेक्सी की जो नोट सीरीज है उसमें जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो कमाल का है, कमाल का है। आपको आपको देख के बिलीव नहीं होगा कि इस लेवल का वो स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। पिक्सल का जो एडवांटेज रहा है वो हमेशा से स्टिल फोटोग्राफी रहा है, चाहे वो नाइट शॉट हो जो उन्होंने नाइट साइट के नाम से इंट्रोड्यूस किया था, पिच ब्लैक अंधेरे में या बहुत ही कम लाइटिंग कंडीशन में फोन बहुत ही खूबसूरत और क्लियर फोटोज खींचता है, जिसका जिसकी कोई टक्कर नहीं है। वो गूगल का एल्गोरिथम है और उसका जो कैमरा हार्डवेयर है वो दोनों मिलकर साथ में ये कमाल करते हैं। अभी तक सिर्फ सिंगल कैमरा के साथ पिक्सल फोन इंडस्ट्री में लीड कर रहे थे अपने कैमराज में, गूगल अब फर्स्ट टाइम मल्टीपल कैमराज लेके आ रहा है अपने पिक्सल फोन में से। ये मल्टीपल कैमराज कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। अभी तक आप पिक्सल फोन्स में ऑप्टिकल जूम नहीं कर सकते थे, आज से पिक्सल 4 अगर आपके पास है तो आप उसमें 2x ऑप्टिकली जूम कर सकते हैं इमेज को। बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल है चीज़, और ये आजकल एक मैंडेटरी चीज़ हो गई है किसी भी फ्लैगशिप डिवाइस में। सैमसंग दे रहा है आपको, एप्पल दे रहा है, वन प्लस दे रहा है, तो गूगल भी कैसे पीछे रहता। तो उन्होंने फाइनली एक टेलीफोटो लेंस अपने फ़ोन में डाल दिया है। फ़ोन की स्क्रीन 6.3 इंचेस है, 1440x3040 पिक्सल्स इसका रेजोल्यूशन है, क्वाड एचडी कहलाएगा। हालांकि फ़ोन नैरो है तो एग्जैक्टली क्वाड एचडी नहीं है, बट ये फुल एचडी से काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की स्क्रीन है। एंड्रॉयड 10 के साथ आएगा। 90Hz डिस्प्ले, ये भी एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। वन प्लस सिर्फ दे रहा था अभी तक 90Hz डिस्प्ले, और एसिस का ROG फ़ोन और कुछ नॉन मेन स्ट्रीम फोन जो कि कंज्यूमर्स नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हैं या पॉपुलर नहीं है या अवेलेबल नहीं है, उन सब में आ रहा था। बट मेन स्ट्रीम फोन्स में वन प्लस इस टाइम 90Hz स्क्रीन दे रहा है अपने फोन्स में। अभी तक आईफोन और सैमसंग इस चीज़ पर नहीं आ पाए हैं। गूगल थैंकफुली 90Hz स्क्रीन पर आ गया है। इसको इस स्क्रीन को यूज़ करना एक अलग ही जॉय है, बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि बहुत ही स्मूथ स्क्रोलिंग होती है और जो एनिमेशंस हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं। आप जब यूज़ करेंगे 60Hz और 90Hz स्क्रीन को साइड बाई साइड, आपको डिफरेंस पता चलेगा। 128GB की स्टैंडर्ड स्टोरेज मिल रही है इसमें आपको, 6GB रैम है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 256GB और 8GB रैम। ये टॉप मॉडल है, तो दो मॉडल्स आ रहे हैं। हालांकि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि 128GB से स्टार्टिंग हो रही है, कुछ फोन्स तो आज भी 32 पे ही टिके हुए हैं। डुअल कैमराज में 12.2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है इसमें, और 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। एंड्रॉयड 10 में भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं, डार्क मोड इसमें आ रहा है और ये बहुत सारे फीचर्स हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन को ट्राई करने के लिए, और देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा निकल के आता है, स्पेशली इसके कैमराज। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट। We'll be right back.